कोरोना वायरस के मामलों में कमी को देखते हुए कई देशों के सैलानियों समेत सारिया गैर जरूरी यात्रावां लई भारतीय सैलानियों नूं आग्या देनी शुरू कर दी है, जिस दे चलते हुण भारतीय कनेडा मालदीव अते जर्मनी की यात्रा कर सकते हैं। बहुते देशों ने अजे भी अपनियां सरहदां नहीं खोलियां। कनेडा सरकार ने कोरोना वैक्सीन दीआं दोवें डोज लगवा चुके लोकां लई दरवाजे खोल दिते ने। कनेडा की पब्लिक हैल्थ एजेंसी ने 3 जुलाई नूं ऐलान कीता सी कि उह देश दे नागरिकां अते स्थाई वसनीकां लई यात्रा पाबंदियां विच ढिल देणगे। इह कदम अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियां, स्थाई वसनीक दे रिश्तेदारां अते वर्क परमिट ते काम करन वाले अस्थाई कर्मचारियां नूं सहूलत देण लई चुक्या गया। भारतीयों समेत सारे यात्रियों नूं कनेडा पहुंचण ते कोविड-19 टैस्ट की नैगेटिव रिपोर्ट 72 घंटों तो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए दिखाउणी जरूरी है। इस तों इलावा कनेडा जाण वाले सारे लोगों नूं वैक्सीन दीआं दोवें खुराकां लैणियां पैणगीआं। कनेडा सिहत मंत्रालय ने फाइजर, मॉडर्ना, कोविशील्ड, एस्ट्राजेनका ते जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन नूं मानता दित्ती है। इन्हां विचों कोई भी वैक्सीन लगवा चुके लोग ही कनेडा आ सकते ने। कनेडा ने अजे तक भारत की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक नूं भी मंजूरी नहीं दित्ती, जो पूरी तरह नाल वैक्सीनेट नहीं हन जां कनेडा सरकार वल्लों मंजूर ना कीती गई वैक्सीन लै चुके हन। उन्हां नूं 3 दिनां लई एकांतवास विच रहना पएगा।